पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई है। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी की बजाय अब 9 जनवरी को होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास 9 जनवरी को दिन 2 बजे तलब कर लिया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब असम्बली के इजलास की एक बार फिर डेट तब्दील कर दी गई है। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी की बजाय अब 9 जनवरी को होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास 9 जनवरी को दिन 2 बजे तलब कर लिया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको आगाह किया जा रहा है, पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई है। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी की बजाय अब 9 जनवरी को होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास 9 जनवरी को दिन 2 बजे तलब कर लिया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है, एक बार फिर से तब्दील कर दी गई है डेट। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी की बजाय अब 9 जनवरी को होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास 9 जनवरी को दिन 2 बजे तलब कर लिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा क्या वजह बताई जा रही है तब्दील कर दी गई है डेट एक बार फिर से? अभी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील कर दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली सत्याम खान ने अपने इख्तियार के तहत 11 जनवरी के बजाय जो इजलास है अब 9 जनवरी को तलब कर लिया है। दिन 2 बजे ये इजलास जो है वो 9 जनवरी को स्पीकर पंजाब असम्बली सत्याम खान की जेर सदारत होगा। इसके लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुफादमा की कानून साजी और दीगर मामला ऐसे हैं जिसके पेश नजर जो इजलास 11 जनवरी तक मुलतवी किया गया था अब उसको 9 जनवरी को तलब कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।